सो गाइस, क्रिकेट जगत से काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि MS धोनी ने T20 और ODI सीरीज से पूरी तरीके से संन्यास ले लिया है, रिटायरमेंट ले लिया है और अब वो आगे कभी भी हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। सो गाइस, इस वीडियो में आज तो कुछ बात नहीं होने वाली है, सिर्फ उन यादों की बात होने वाली है जो कि MS धोनी जो कि खेल गए हैं और कुछ जो मुझे मैचेस याद आते हैं और उन्होंने क्यों रिटायरमेंट लिया है उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूँ उस वीडियो में। क्योंकि गाइस, इस न्यूज़ के बाद सुनने के बाद कुछ जो मेरे अंदर ऐसा हो चुका है कि हम इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। लेकिन गाइस, अगर मैं बात करूँ MS धोनी के जितने फैंस हैं वो कम ही है, क्योंकि इस अगर बात कर लें, इस अगर वर्ल्ड में बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कोने कोने से MS धोनी के फ़ैन पड़े हुए हैं। कहीं से भी आप उठाएंगे तो MS धोनी के फ़ैन ज़रूर दिखेंगे और शायद आज का दिन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा दिन साबित हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन, इंडिपेंडेंस वाले दिन, अगर कोई खिलाड़ी अगर ऐसे अचानक अगर कोई निर्णय ले लेता है कि उन्होंने अपने ODI क्रिकेट और T20 करियर के क्रिकेट से पूरी तरीके से संन्यास ले लिया है, सो गाइस बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। और ऐसे में MS धोनी ने जिस तरीके से संन्यास की घोषणा की है, क्योंकि उन्होंने अपना अंतिम ODI मुकाबला 14 जुलाई को मुझे याद है जो कि था सेमीफाइनल मुकाबला था वनडे का और वो खेला गया था वर्ल्ड कप का जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ था, उसमें इन्होंने अंतिम बार नीली जर्सी पहनी थी। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रूमर्स निकल के आ रहे थे कि MS धोनी अब संन्यास लेने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और इसके बाद से सभी फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे अब की बार लेके, क्योंकि MS धोनी फाइनली IPL 2020 की जो तैयारियाँ थी उसमें काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वो T20 वर्ल्ड कप में अपना जो कि हाथ है वो आजमाने वाले हैं। लेकिन गाइस, ऐसी खबर निकल के आ रही है अचानक से, वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो खबर निकल के आ रही है वो इंस्टाग्राम के MS धोनी के खुद इंस्टाग्राम अकाउंट से निकल के आ रही है और उन्होंने एक गाना लगाया है जो कि वो अक्सर सुनते हैं पल दो पल का शायर, और उसके बाद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जो पुराने यादें हैं जो कि उन्होंने समेट के रखी हुई है उसका उन्होंने एक से बढ़ के एक उजागर किया है। और अब फाइनली काफ़ी बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ चुकी है कि MS धोनी ने वो गाना लगाया था क्योंकि वो अब फाइनली जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरीके से संन्यास ले चुके हैं। क्योंकि गाइस, अगर मैं बात करूं MS धोनी टेस्ट से तो काफ़ी ज़्यादा पहले ही संन्यास ले चुके थे, लेकिन ODI और T20 काफ़ी अच्छी तरीके से खेलते थे। और गाइस, अगर मैं बात करूं उनके कुछ अच्छे मुकाबलों की जो कि मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से याद है, सो गाइस अगर बात करें हम इनके जो टॉप पे जो सबसे बड़ी पारी रहेगी वो रहेगी 91 रन नॉट आउट जो कि 50-50 के वर्ल्ड कप में जो इन्होंने 2011 के पारी में खेली थी 2011 में जो खेली थी जो कि श्रीलंका से आखिरी मुकाबला था जो कि 91 रन की नाबाद नॉट आउट पारी खेली थी। और गाइस, वो जो छक्का MS धोनी ने लगाया था वो आज तक मेरे दिमाग में है। और गाइस, अगर मैं बात करूँ इसके बाद भी MS धोनी ने काफ़ी अच्छी अच्छी इनिंग खेली है, खासकर इंडिया को जो भी तीनों ट्रॉफीज़ हैं जो कि ICC के मेन ट्रॉफीज़ हैं उसमें MS धोनी के कप्तानी में ही टीम इंडिया जीती है। और गाइस, एक ऐसा कप्तान जो कि तीनों ODI ट्रॉफी रखा हुआ है और टीम इंडिया आज जिस मुकाम पे है वो सिर्फ एक खिलाड़ी के दम पे है और वो है MS धोनी। सो गाइस, MS धोनी की पारियों की अगर बात करूँ तो काफ़ी बड़ी बड़ी इन्होंने अव्वल दर्जे की पारी खेली और शायद टीम इंडिया को अब इनसे बड़ा कोई भी हमें ऐसा लग रहा है कि भविष्य में आगे आने वाले कुछ दिनों में हमें लग रहा है कुछ सालों में कि इनके जैसा फिनिशर और शायद कैप्टन देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि गाइस, अगर मैं बात करूं ODI में आज विराट कोहली भले ही कैप्टन है, लेकिन आज सब लोग ये जानते हैं कि इंडिया इतनी ज़्यादा अच्छी क्यों खेलती है ODI और T20 क्रिकेट में, क्योंकि विकेटों के पीछे हमेशा से MS धोनी रहते हुए आए हैं और इसी वजह से आज MS धोनी का एक ऐसा ओहदा बन चुका है जो कि सभी क्रिकेट प्रेमियों के मन में है। और गाइस, आज का दिन जो कि 15 अगस्त का दिन था जो कि काफ़ी ज़्यादा यादगार बन सकता था, लेकिन गाइस आज ऐसी खबर निकल के आ रही है MS धोनी को लेके कि MS धोनी ने सभी खेल के प्ररूपों से पूरी तरीके से संन्यास ले लिया है। सो गाइस, काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। लेकिन गाइस, एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आखिर ODI और T20 में उन्होंने कितने मैचेस खेले। तो सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं ODI की। तो ODI में कुल मिला के MS धोनी ने 350 मुकाबले खेले थे, 10,773 रन बनाए थे, 50 का इनका एवरेज था, 73 इनकोन 50 जड़ी थी और 10 सेंचुरीज जड़ी थी। और वही बात कर लेते हैं T20 करियर की, तो उन्होंने 98 मैचेस खेले हैं, 1617 रन बनाए हैं और साथ में 37 का इनका एवरेज रहा है। यानी गाइस, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 10,500 रन बनाए हैं और वो भी नंबर 6 और नंबर 7 के पोजीशन में, जो कि आज के ज़माने में कोई भी खिलाड़ी नहीं बना पाएगा। और गाइस, ऐसे में MS धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सभी क्रिकेट लवर्स उनके काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और इसी वजह से
एमएस धोनी एक ऐसे दर्जे के खिलाड़ी बन चुके हैं। लेकिन गाइस ऐसी खबर निकल के आ रही है कि एमएस धोनी ने सभी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सो गाइस अगर मैं बात कर लेता हूँ कि एमएस धोनी, अगर मैं कल की ही बात करूँ तो मैं जब वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था तो उसमें ऐसा सुनने को आया था कि एमएस धोनी रांची से निकल चुके हैं, और ये बिल्कुल सच्ची न्यूज़ थी। एमएस धोनी रांची से कल निकले थे और उसके बाद वो चेन्नई पहुंचे थे अपनी जो शिविर, जो कि कैंप लगने वाला है चेन्नई सुपर किंग का, जो कि आईपीएल 2020 से पहले जो उनकी कैंप लगती है, वो 5 दिन का कैंप के लिए वो कल निकले थे और आज चेन्नई पहुंचे हैं। कल चेन्नई पहुंचे थे और उसके बाद इन्होंने प्रैक्टिस सेशन का भी हिस्सा लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा तैयार हैं। लेकिन गाइस अचानक से ऐसी खबर निकल के आती है कि एमएस धोनी ने संन्यास ले लिया है। सो गाइस काफ़ी बड़ी और हार्ट ब्रेकिंग न्यूज़ ये निकल के आ रही है एमएस धोनी, क्योंकि मैं पर्सनली अगर मैं मानता हूँ कि मैं चाहता था कि एमएस धोनी एक अगर क्रिकेट में अगर अंतिम बार अगर खेल भी रहे हैं तो अपना विदाई मैच यानी अंतिम मुकाबला ज़रूर खेलें। सो गाइस देखना होगा कि क्या एमएस धोनी अब आईपीएल में ऐसा झलक दिखा पाते हैं, क्योंकि गाइस अगर एमएस धोनी अगर ये कोरोना काल नहीं रहता तो ये पक्की की बात है कि एमएस धोनी मार्च में खेलते, आईपीएल खेलते और उसके बाद अक्टूबर में T20 वर्ल्ड कप पड़ता और उसमें एमएस धोनी अगर उस समय अच्छा खेले होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ऐसा हो सकता था कि एमएस धोनी आज अपने जो कि रिटायरमेंट की घोषणा है वो नहीं करते। लेकिन गाइस सबसे बड़ी न्यूज़ अब तक की यही है। तो गाइस देखना होगा कि आगे जो भी खबरें निकल के आती हैं कि एमएस धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो देखना होगा कि आखिर उसमें क्या कहते हैं, कि क्या उन्हें एक जो कि सभी फैंस चाह रहे होंगे कि एक उन्हें अंतिम विदाई मैच मिलनी चाहिए थी, वो आखिर एमएस धोनी ने क्यों नहीं लिया। सो गाइस देखना होगा, सभी सवालों के जवाब आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो ख़त्म करते हैं।